मां भैया को राम राम। यो देखो जी, टिंकू वाला फोड़ तो चला गया, अब टिंकू जाएगा बाजार में। यो भैया ने ला के यहाँ खड़ा कर दिया जी। चलो भैया, चलो चलो चलो। दोस्तों पहुंच गया ठीक ठाक मील में, टोकन ले गया, कांटा बिल्कुल खाली हो गया है। अब वे उसमें मशीन चढ़ा के उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। बुग्गे वाले भाइयों के साथ में हम भी अपना धीरे धीरे कृपा दृष्टि बना के चल रहे हैं टिंग टोंग। ये देखो जी, आज बहुत ही सीनियर सीनियर भैंसे चल रहे हैं। ये देखो जी, ये भी अपने टाइम का बहुत ही सुंदर और बड़ा दमदार भैंसा रहा। लेकिन दोस्तों एक खुराक भी होती है, एक उम्र भी होती है, एक समय होता है। एक ये देखो जी, वो भी बहुत अच्छा कटड़ा, बहुत ही शानदार। ये जो भैया का और माल खाया हुआ दमदार कटड़ा चल रहा है। तो दोस्तों आपका खाली हो गया बिल्कुल टिंग टोंग। दोस्तों मील तो दोनों चल रहे, बड़ा छोटा दोनों। लो जी, एक भाई का 241 DI मैसी चला गया है। भैया वीडियो देखने में खो रहे हैं और वीडियो बनाने वाला बराबर में को निकल गया। दोस्तों कांटे में पहुंच लिया और भाई निकल गए हैं दोनों। दोस्तों ये हमारे दोस्त भी हैं और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। पहले तो खैर इनके अंकल जी डाल लग रहे थे गन्ने, कांटे में पहुंच लिए हैं जी धीरे धीरे। लो जी कांटे लो भी आ गए, झोटे बराबर में मस्त चल रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखो जी, बैट लगी थी बाबा से 73-50 हो गए, तो ये बैठेंगे 43 कुंटल के करीब गन्ने बैठ सके हैं। दोस्तों छोटी चैन पर आ गए हैं और धीरे धीरे काम चल रहा है। ये देखो जी, चैन खोल लेते हैं। दोस्तों दोराले से भाई हैं, एस्कोर्ट ले रहे हैं। दूसरा ट्रैक्टर भी तो कौन सा फार्म ट्रैक है, दोनों बराबर गन्ने डल रहे हैं। तो मतलब अभी थोड़ा बहुत नया बीज बोया कोई नहीं बोया? कौन कौन सा? 39 बोलो, एक 18 बोलो, 18 के। हाँ थोड़ी कमजोरी में है अभी, अभी ट्रायल पे है मतलब। और 23 तो हमारे यहाँ फेल कर दिया जी, नहीं गिद्दड़ खा गए सब। अच्छा बोया था, पेड्डी नहीं हुई। ओहो तो ये तो किसान को तो थारा कहना पेड्डी हो जा। तीन साल बोया। तो दोस्तों पहचान रखियो, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं दुराले से भैया, और भैया की गैल दिक्कत। नहीं नहीं कोई नहीं, लगाओ तुम लगाओ, नहीं नूर चला दो तुम, कोई ना मुड़ जाएगा, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया की लेबर भागल लग रही है, भैया को एक ट्रॉली और भरनी है क्योंकि दोस्तों त्योहार आने वाले हैं तो आपसदारी में हो जाता है। देखो खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगवा दिया है भैया का ट्रैक्टर टिंग टोंग, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों ट्रॉली चैन पर लग गई है, भैया चले गए। अब बस यहाँ दो ही ट्रैक्टर हैं और मेरे से अलग, एक बार मोहर लगवा के आता हूँ। लो जी 13235 की गुहेर गन्ने का एंड हो गया है जी, ट्रॉली गई टिंग टोंग। आराम से भैया आराम से, इसके बस की इतना ना है, गड़बड़ हो जाएगी, टिंग टोंग हो जाएगी। दो सौ 43 कुंटल गन्ने हो सकते हैं टिंग टोंग। 200 जाल आ गया है, चलते हैं फटाफट। लो जी खुले दरबार में आ गए, और भैया ने मौज कर दी ना, लाइन में लगने का झंझट भैया ने। लेकिन एक काम करा जी, गौर करने का है, बुग्गी में जो है 750-16 लेके ट्रॉली वाले टायर गिरवाए, तो ये चीज़ दोस्तों गौर करने की है। भैया से एक बार बात करेंगे, रोक के ट्रैक्टर को एक बार मैं खाली खाली ट्रॉली तुलवा लूँ, झोटों की लाइन भी खाली होगी है। दोस्तों खाली पा लिया, बराबर में से फोड़ डाल लिया है। वो देखो जी राजस्थानी झोटा बराबर में आ, ये मोनू, ये देखो जी मोनू का भी गाड़ना बढ़िया है। और देखो जी बराबर में झोटे क्या बेहतरीन बेहतरीन चल रहे हैं, देखो राजस्थानी चल रहा है। दोस्तों 42-87 हुए हैं, करीब
यो मान के चलो, एक बार आगे निकाल लूँ भैया से जब बात करूँगा। तो दोस्तों निकल लिए हैं धीरे धीरे, और इधर भैया ने भी काफ़ी गन्ने बचा लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ थामना पड़ेगा ट्रैक्टर एक बार भैया से बात करने के लिए, मुझे यहाँ थामूंगा क्योंकि पहियों का पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भाई परेशान है कि बुग्धी के टायर फट रहे हैं उनके गन्ने छोटे हाड़े में। महिंद्रा B275, ओहो अब करा जुगाड़। देखो जी कितने थोड़े से गन्ने कितने हुए, 74 73, ओ हद होगी भाई। यो अब ठीक करा जब नहीं करा मेरे टाइम पे, तो भैया से बात करेंगे। दोस्तों भाई बता रहा है कि ये बुग्गी के टायरों पे रबड़िंग करवाई है इस तरह की। ये देखो जी कितने मजबूत हो गए, और ये रबड़िंग सरदने हुई है। इसका मतलब आप जो है अपने जो, ये देखो जी जो टेक से पीछे ठाव दे पीछे से, यो भी गजब है, यो भी गजब है, यो भी सारे गजब है। तो दोस्तों देखो बुग्गी जा रही है यार, आपको देखने में लगेगा और टायर कितने मोटे हैं। तो दोस्तों ये राज भी खुलना जरूरी था कि भैया के बुग्गी के टायर जो थे, क्योंकि दोस्तों जब लोड पड़ता है तो वो नीचे से जमीन पे जो प्रेशर पड़ता है तो उसकी बुग्गी वाले टायर की गुड्डी हल्की होती है नीचे, तो वो ऐसे फट जाती है। तो भाई ने क्या करा, इतनी मोटी लेयर चढ़वा दी। तो जब इतनी मोटी लेयर चढ़वा दी तो कामयाब हो गया बराबर में जी। महिंद्रा खड़ा है, ये DI हो रहा है ट्रैक्टर भी। तो दोस्तों ये बात गौर करने की है कि भैया ने बहुत मतलब दिमाग का काम करा जी, नवे टायर नहीं बदलवाए, उन्हीं बुग्गी के टायरों पर रबड़िंग करवा दी सर्जन है टिंग टोंग। तो आप कैसी भी रबड़िंग करवा लो टिंग टोंग। ट्रैक्टर दी 265 आ गया है, देखो जी बोर्ड का गन्ना चल पड़ा है। थोड़े ही ट्रैक्टर आ रहे हैं बराबर से, झोटे भी जा रहे हैं ठाए ठाए इंगे से। देखो जी एक से एक कटड़ा, दोस्तों अभी जो है दो कटड़े तो ऐसे गए कि मतलब 1 लाख वाली रेंज के टिंग टोंग। मील से आते हुए ये देखो जी विनीत भाई वाला कटड़ा, गन्ने देखो जी कितने लंबे लंबे ले रहा। हाँ आ गया रंग में, पूरे रंग में आ गया। ये देखो जी बफात वाला, ये देखो जी राजकुमार वाला रिकॉर्ड तोड़ कटड़ा। राजकुमार का तो सब कोई फेल करते हैं, और ये भाई भी गांव से ही है, बहुत बढ़िया। ये चाचा मोनू, टिंग टोंग। रास्ते में देखो जी टैंकर कितनी बढ़िया तरह वो कर रहा है, धूल को दबा रहा है। और ये देखो जी आईसर का कितना शानदार ट्रैक्टर जा रहा है। ये आईसर ने 551 में मॉडल उतारे हैं इस तरह के। इनके भैया के पास में पहले भी आईसर ही था दूसरा, और अब की बार किसान भाइयों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है 38 बीज के बारे में, कि दोस्तों सभी ज़्यादातर पौधे छुड़वा रहे हैं और पत्ती फलवाएंगे। ये देखो जी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि चाहे एक छोटा ही संदेश है लेकिन बढ़िया है जी। देखो सारा पोगा छोड़ के कितना बढ़िया, और पीछे भी दो जगह छोल लग रही है। देखो जी 38 थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लो और पोगे छोड़ दो जी इसके, अब ये जड़ से कट के नहीं हो पाने का। हाँ पत्ती और खेत में अगर पत्ती जोत लो 2 साल की 3 साल की तो जलवे कट जाएंगे, क्योंकि इतनी चिपक है पत्ती में, इतनी डाई है, इतना खाद है फ्री का, और बस ड्रेंचिंग के लिए। जैसे एक ट्रेंच के गन्ने में ड्रेंचिंग DRENCHING ड्रेंचिंग का जो वर्ड चलता है, एक ड्रेंचिंग के लिए आप गंदा पानी यूज करो जिसमें कि नाले का पानी मिक्स है और कीचड़ का पानी मिक्स है, तो उसका आप यूज करो, आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। आपको किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। उसका तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे जैसे नाले का पानी है जी, हाँ इसे भर लो जी अपनी स्प्रे मशीन में। ये इतना तकड़ा केमिकल है अब के दोस्तों, इसे गांव के कीचड़ को, और इसे ही मेरा चलाने का फुल मूड है। घर वाले मान नहीं रहे, लेकिन मैं जो टैंकर लूँगा या स्प्रे मशीन लूँगा या जो ट्रैक्टर के पीछे का एक मुझे जुगाड़ बनवाना है उसमें अपनी फुटी हुई टंकी रखेंगे,
उसमें दोस्तों मुझे यही ला के वाल चलाने हैं और वाल के पास में रख देना है और वहीं से चलाना है। नाले का पानी भर भर गए और गांव के खंचे का पानी भर भर गए। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि आप बुजुर्गों की तरह पुराने विचारों पर चलो और जो है खेती से 100% मुनाफा लो जी। ये देखो पत्ती जा रही है, तो ये भी किसान भाई अच्छा कर रहे हैं तो उठवा रहे हैं अपने खेत को। नहीं दोस्तों पत्ती नहीं जलती, पत्ती जो है जमीन को भी जला दे। टिंग टोंग, ये देखो जी फागण के खेत तैयार है, बस अब इनमें सब बुआई हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें पत्ती जोती जाती तो और भी जलवा कटता। गांव से ही है बबलू भाई वाला बन्नी, ना ना ज्यादा ना बचावे, ऊंचे नीचे पर पाँ पड़ जाएगा। ये तो भतेरी बचा दी मन्नी। तो ये देखो समझदार भाइयों की पहचान होती है जी, कितना छोटा बचाया है एकदम से। लो जी भाई ने तो पेटी में बदबूदार खाद है, दवाई है, बहुत तकड़ी बदबू आ रही है जी इसमें। तो दोस्तों ये सही है बिल्कुल, क्योंकि कभी परवा कभी पछवा चल रही है तो इसका बहुत नुकसान होता है। तो ये देखो जी शौकीन का ट्रैक्टर काम। राम राम जी, ठीक हो? पेटियों में पानी चल रहा है जी। देखो इन्होंने, ये आलूओं का गन्ना था तो इसमें जो इन्होंने दवाई खाद लगा के पानी दे दिया। टिंग टोंग, चाचा महक सिंह वाला करना मील में गन्ने डाल के आ गया है और अभी यहाँ से गोली लेके जाएगा। और वो देखो जी मिंटू वाला करना खेत में पेटी गन्ने में गोबर उतार रहा है छिद्दा छिद्दा, तो ये इसे फैला देंगे इसमें तो इसका खाद लगेगा। ये फरवरी का गन्ना था जी, ये बुहेर गन्ना कट गया है। और ये देखो जी यहाँ विनीत भाई के लिए और फिर कचरा पड़ा है, अब वो फिर फूकेंगे। राम राम भाई, राम राम, बहुत बढ़िया भाई, करते रहो काम गुनोई। दोस्तों आ गए हैं घेर में, छोड़ दिया है ट्रैक्टर यहाँ ला के, ताऊ जी ने भी खाली कर दी है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके अपना गन्ना बुआई कर लेते हैं। टिंग टोंग, खड़ा कर दिया है जी ट्रैक्टर, बुग्गी ले जाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब जो है यहाँ से चलेंगे, सूखे गोले हैं बस ये काटेंगे एक दिन। तो दोस्तों अब जो है गाय का ब्याने का टाइम नज़दीक आ रहा है, लेकिन इसके जो है हल्का सा झलका बन गया है एक साइड में, देखो यहाँ इस साइड में बन गया है। क्योंकि मम्मी जो है गोर भी ज़्यादा करती हैं पशुओं की, थोड़ी सी डाइट, अब डाइट पर दोस्तों रोक लगाई है, थोड़ी सी डाइट पर रोक लगाई है इसके, कि जिससे इसके ज़्यादा दूध का प्रेशर ना पड़े इस पर और ये आराम से ब्याह जाए। तो दोस्तों इसकी होम्योपैथिक दवाई लाएंगे, हमारे यहाँ मोदीपुरम में डॉक्टर इकबाल सिंह डॉक्टर हैं, वो पहले जो था गवर्नमेंट जॉब में भी रहे, अब वो होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करते हैं बहुत अच्छा, तो उनसे दवाई लाएंगे इसकी बनवा के। चलते हैं दोस्तों एक बार खेत में नाश्ता पानी करके, आप भी चाय पी लें, नाश्ता कर लें। धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग, अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें, जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर दें। टिंग टोंग।